तो अभी हम एंटर करते हुए जवाहर विलेज जाएंगे चल के ऊपर वहाँ तक, जिसे कि छुपा के रखा गया है। रोड से सिर्फ ये पार्ट दिखता है और इसके ठीक पीछे है विलेज, क्योंकि तो छुपा हुआ है इसलिए उसे इनविजिबल विलेज बोला जाता है। जानते हो गए काउंटिंग माइंस इस चैनल है जो मोटर ब्लॉगर है, वो उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और वो इस जगह पर आए थे, उनकी वीडियोज़ मैंने देखी थी इस जगह। तो ये जो बुक है तो उसमें डेट लिखा हुआ है कि वो कब आए थे, स्पॉट पे ही रहते थे द किंग ऑफ द दरबारी। यहाँ से दिखता है कौन कहाँ से आ रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ दिखता है यहाँ से। कहाँ से आ रहे हो? यूपी से। 6-7 महीने हो गया यूपी से निकले। सो वेलकम यू टू नामिकला पास। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू होता हुआ और जांस्कर का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका कल ही। तो अभी तक अगर आपने जांस्कर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट से भरा हुआ है वो चैप्टर। जांस्कर में मैंने सोलो कैंपिंग भी किया है, हमने बहुत सारी जगह पर ट्रैक भी किया, ख़राब रोड्स मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में से संस्कार के एपिसोड्स के वीडियोस जरूर देखे जाके। तो अभी रुके हैं कुछ करने के लिए ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या मिलता है। यहाँ पे टाइम हो चुका है 11:20, भूख जोर के लगी है। हमारे पास था 2 मैगी तो हमने भैया को दे दिया बनाने के लिए, तो भैया उसका सिर्फ 10 रुपये लगे बनाने के लिए। और हमने अभी समोसा मंगाया है जो कि बहुत रेयर है, यहाँ पर मिल गया समोसा हमें, और मोमोज मंगाया तो खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो ये आ गए हमारे वेज मोमोज विथ चटनी के साथ। और आप बताएं समोसा कैसा लगा आपको? अच्छा था समोसा, नाइस टेस्ट, केचप के साथ मिक्स करने के बाद और जो चटनी मिक्स करने के बाद टेस्ट अच्छा बन गया। मैंने ख़त्म कर लिया समोसा और अब मोमोज की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी खाना पीना कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा खा लिया, पानी भी भर लिया है क्योंकि पानी का जो बोतल था वो मेरा गिर चुका था। तो पिछले साल जो मैंने छोड़ दिया था वो इस बार कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जवाहर द इनविजिबल विलेज, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जवाहर द इनविजिबल विलेज, देखते हैं इस इनविजिबल विलेज पे है क्या। लेट्स गो, ये थोड़ा सा ऑफ रोड है। तो अभी हम एंटर करते हुए जवाहर विलेज, ये विलेज का नाम जवाहर है। अच्छा, यहाँ से रास्ता है आगे जाने का? अच्छा, चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अरे अरे, आगे रास्ता नहीं है? ओहो, हाँ वहाँ से है लेकिन वहाँ काम चल रोड पे, तो रोड बंद है। ये जो आप घर देख रहे हो ये है म्यूजियम के जो की रखते हैं उनका घर है ये। वो ऊपर जाना था, हाँ चाबी चाबी चाहिए ना, ठीक है ले आइए। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ और ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखेगा जवाहर द इनविजिबल विलेज का। तो अभी हम बाइक को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हुए और यहाँ पे एक बोर्ड दिखा है हिडन एंड थ्रिविंग। तो म्यूज़ियम का आप मतलब देख रहे काफ़ी करते हो? हाँ, मतलब कब से हो आप यहाँ पे? 2019 से हो आप? उससे पहले कौन था? उससे पहले बनाया नहीं था। अच्छा, था ही नहीं है? गांव घर था, ये म्यूजियम बनाया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलते हैं ऊपर फटाफट। तो 2019 में ही ये जो ऊपर म्यूजियम है वो बनाया हो, पहले था नहीं, वो खाली नॉर्मल विलेज था और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो देखते हैं ऊपर म्यूजियम में क्या निकलता है। और हमने बाइक यहीं पर रख दिया है, यहाँ से हम जाएंगे चल के ऊपर वहाँ तक। तो यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ माय नेम, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। तो बहुत ऊपर चढ़ के आ चुके हैं अभी फ़िलहाल हम, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, वो है हाईवे जहाँ से हम आए, यहाँ से चलते हुए ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से करीब और थोड़े से रास्ता बचा, अब यहाँ पे भी एक बोर्ड दिखा है पिक्चर माय पास्ट टायर्ड टेक ए डीप ब्रेथ यू आर नाउ अप्रोचिंग द
लॉनपो हाउस। अच्छा ऊपर जो आपको फोर्ट दिख रहा है वहाँ पे रहते थे किंग जिनका नाम था ग्यापो। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये फोर्ट वैसे के वैसे था, कभी टूटा नहीं था, बट अभी फिलहाल टूट चुका है। कितने साल पुराना है ये अंकल ये फोर्ट जहाँ पे किंग रहते थे? 500 साल का बोलते हैं। अच्छा 500 ईयर्स पुराना है ये। तो अभी हम लगभग पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आप व्यूज़ देखिए क्या खतरनाक व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और इसका नाम इनविजिबल विलेज इसलिए पड़ा क्योंकि जो रोड देख रहे हो ना यहाँ से जो हम देखते हैं इस विलेज की तरफ तो हमें सिर्फ ये पत्थर दिखता है और ये फोर्ट दिखता है और कुछ भी दिखता नहीं है। तो किसी को पता चलता नहीं है कि यहाँ पर कोई गाँव यहाँ पर कुछ नहीं है। एक्चुअली गाँव जो है वो इसके पीछे है इसलिए इसका नाम इनविजिबल है, जिससे कि पहले टाइम पर 500 ईयर्स पुराने टाइम पर अगर कोई जा भी रहते तो उनको पता चलता नहीं था कि यहाँ पर कोई गाँव भी है, लोग रहते भी हैं। तो जो यहाँ के राजा थे वो इसे ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि लोगों को पता ही ना चले कि यहाँ पर उनका कोई एक विलेज भी है, इसीलिए यहाँ पे इस विलेज का नाम पड़ा है इनविजिबल विलेज। अच्छा मंदिर है क्या? अच्छा ओह यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा। पहले तो पूरा पेंटिंग था ये। अच्छा 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 दीवार में कुछ कुछ बना हुआ है। कुछ भवन भवन था बोलता है, ये टूट गया ना। क्या था यहाँ पे? भवन था, ये टूट गया ना। अच्छा भवन था, फिर बना दिया। अच्छा अच्छा यहाँ पे वाला दिख रहा होगा कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, लॉनपो हाउस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू फाइनली रीच द लॉनपो हाउस। तो ये है मैप। डोंट यू थिंक इट इज डिस्टिंक्टिव हाउ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बिल्ड इन द वेमेकुलर लद्दाखी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द डीपर यू गो इन टू दिस स्पेसेस मोर ऑफ माई सीक्रेट्स ऑल बी रिवील टू यू। कॉशन, टेक स्लो स्टेप्स एज द स्ट्रक्चर इज ओल्ड। देखते हैं और क्या क्या सीक्रेट्स मिलते हैं हमें। वो यहाँ से एंटर करना है। यहाँ पे भी कुछ है आई थिंक। वो प्रोजेक्ट जवायुल। कहाँ पे है ये? ये अंदर। अच्छा ये क्या है? ये ऊपर भी है। ये है क्या वैसे? यहाँ जा सकते हैं ना? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉय। ये देख लो आप, ये इस प्लेस पे चांग बोलते हैं, ये लोकल अल्कोहल बनता है यहाँ पे। पहले बनता था, अभी नहीं। तो यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने ऐसा यहाँ पे एक टाइप का बोल सकते हो कि शॉप टाइप का बनाया हुआ था ऐसा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो शोकेस करने के लिए रखे थे अगर अच्छा, कोई विजिट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ से दिखता है पूरा बाहर का, कौन कहाँ से आ रहे हैं कौन कहाँ से जा रहे हैं सब कुछ दिखता है यहाँ से। ये एक सीक्रेट विंडो था लगता है मुझे। तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम आए अभी। तो यहाँ से अगर आप स्टेप इन करोगे तो आपको बाहर का व्यूज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हो यहाँ पे और एक गेट भी है। आई एम 500 ईयर्स इन टाइम, मोर देन 5 पीपल इन द क्राइम। ओके देखते हैं ऐसा क्या है यहाँ पे। राजी मेटल स्वॉर्ड विथ ए राउंड शाफ्ट। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको इसमें इस बुक पे एंट्री करना पड़ेगा आपका। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा है,
कि अगर आप जानते होगे काउंटिंग बाइंग चैनल है जो मोटर व्लॉगर है वो, उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और वो इस जगह पे आए थे, उनकी वीडियोस मैंने देखी थी इस जगह की। तो ये जो बुक है तो उसमें डेट लिखा हुआ है कि वो कब आए थे और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है बट आप फ़ोन नंबर ले रहा होता सेप्टेम्बर 12, 2021 अमित सिन्हा, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, कमेंट्स में लिखा हुआ है रियली ऑसम एक्सपीरियंस फील्स लाइक आई एम 500 ईयर्स अगो। ये म्यूज़ियम विज़िट करने का और विलेज घूमने का आपको चार्ज लगता है 100 रुपीज़ और ये है टिकट पर पर्सन 100 रुपीज़ लगता है इसमें। और ये जो अमाउंट आता है इससे पूरे म्यूज़ियम की मरम्मत होती है एंड ये जो अंकल है इनको भी कुछ अमाउंट जाता है इससे। तो यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो हमें चढ़ना ऊपर की तरफ और वहाँ से हमें दिखेगा द इनविजिबल विलेज। तो अभी चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है व्यू। दिस इज अमेजिंग, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है। और मेरे ठीक सामने है द इनविजिबल विलेज जिसे कि छुपा के रखा गया है। रोड से सिर्फ ये पार्ट दिखता है और इसके ठीक पीछे है विलेज जो कि छुपा हुआ है, इसलिए उसे इनविजिबल विलेज बोला जाता है। और यहाँ पे है पॉज, ओह ट्रैवलर व्हाट यू सीक इज़ विद इन योर रीच, हियर योर थॉट्स वर्थ द एक्सपीरियंस, एंजॉय व्हाट यू सी, हियर इज़ वेलकमिंग यू अगेन टू ए हम्बल कम्युनिटी, स्टेप डाउन ओह ट्रैवलर कम बी ए पार्ट ऑफ मी। और ये है वो विलेज, दिस इज जबायुन द इनविजिबल विलेज। खतरनाक खतरनाक वर्ड ये दिख रहा आपको, ये है हाईवे जहाँ से हम जाते हैं लेह की तरफ और इधर कारगिल की तरफ। और यहाँ से सिर्फ ये दिखता है हमें, ये पहाड़ और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन विलेज है वो है इसके पीछे इस साइड पे। ये है इनविजिबल विलेज जो कि रोड से और बोल सकते हो हाईवे से दिखता ही नहीं है, ये पूरा एक सीक्रेट प्लेस बना हुआ है। और मेरे ठीक सामने है वो, मतलब फोर्ट जो पूरी तरह से टूट चुका है और ऊपर चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, और इस फोर्ट पे ही रहते थे द किंग ऑफ द जबायुल, बट अभी ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, सब टूट चुका है। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और जो एरिया था वो हमने कवर कर लिया, वो फिर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है जो लद्दाख आते हैं कारगिल से ले जाते हैं, बट उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि इस जगह का भी डेवलपमेंट हो पाए आपके टिकट के पैसों से और ये जो अंकल है इनका भी कुछ अच्छा हो पाए। रास्ता जो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है यहाँ पे, देख रहे हो कहाँ है अपनी बाइक, नीचे अपने को जाना है यहाँ से। अरे बाप रे, ओह डर लग रहा है। अंकल पूरा मस्त जा रहे हैं। तो पहुंच गया मैं अपनी बाइक के पास और ये रहा अपनी बाइक और ये रहा अंकल। थैंक यू अंकल हमें घुमाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस एरिया का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा ये एरिया और इन विलेजेस का भी थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाएगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा इनकी हेल्प करते हैं तो मे बी इनका लाइफ चेंज हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद के जो एपिसोड आएंगे तो यहाँ से हम कवर करने वाले हैं लेह तक। गुड बाय।